गाइस, मैं हबीबा हबीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ, बारिश बहुत हो रही है तो कुछ चटपटा कुछ पकोड़ा, रोज़ कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा, तो मैंने सोची क्यों ना आज मैं समोसा बनाती हूँ, आलू वाले समोसे। जिसके लिए मैंने आलू को कट करके थोड़ा सा नमक देके कुकर में बॉयल की हूँ। अभी ये बिल्कुल गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसे छीलती हूँ। छील के मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो गाइस, जब तक मैं यहाँ पे आलू छीलती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे मैं इमली की चटनी भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने गरम पानी ली हूँ, उसमें थोड़ा सा इमली को सोक करके रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आपको मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आलू मैश करके ली हूँ, यहाँ पे मैंने मटर ले ली हूँ, यहाँ पे हरा धनिया, यहाँ मैंने तड़के के लिए कुछ ली हूँ करी पत्ते, ये ज़ीरा, ये हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन क्रश किया हुआ, ये कसूरी मेथी है, ये आमचूर पाउडर है और यहाँ कुछ मसाले है जिसमें से क्या है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, भुना हुआ धनिया ज़ीरा का पाउडर है, ये काला नमक है, ये सफ़ेद नमक है, ये हल्दी है, कूटा हुआ लाल मिर्च है, रेड चिली फ्लेक्स। काला नमक अगर आपके पास हो तब ज़रूर डालें, इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ज़ीरा और तेज़पत्ता और ये सारा हम इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, इसे हम अच्छे से साफ करके डाल देंगे। देखिए, ये जैसे ही अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे ये सारे सूखे मसाले। इस ये प्रोसेस करते वक्त ये आपका गैस का फ्लेम पूरा अभी स्लो ही रहना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालते हैं हमारा ये उबला हुआ आलू। आलू को मैश ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस हाथ से थोड़ा थोड़ा उसे तोड़ना है, क्योंकि ऐसे ही इसमें और भी अभी वो मैशी हो जाएगा। चलिए अब हम इसे करते हैं मिक्स। मिक्स करते करते हम इसमें डालते हैं फ्रोज़न मटर, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं चटपटा टेस्ट आने के लिए आमचूर पाउडर, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं हो तो आप इसकी जगह में दो चार बूंद नींबू के रस भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं डालती हूँ इसमें कसूरी मेथी और इसी के साथ मैं डालती हूँ हरा धनिया। अब हम इसे सब एक साथ करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू स्टफिंग कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर ना हो ना तो नॉर्मल आप मटर लेकर के उसे उबाल लें और उसके बाद इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से, अब गैस की फ्लेम को करते हैं हाई और इसे अच्छे से हम इसे भून लेते हैं ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, और जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं डो लगाऊंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा समोसा के लिए आलू स्टफिंग। गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब जब तक ये ठंडा होता है मैं तो डो लगाऊंगी, तब तक यहाँ पे हमारा इमली भी फूल चुका है। अभी क्या करना है ना, इसे हमें अच्छे से हाथ से इसे मसलना है और मसल के इसका प्योरे निकालना है। तो देखिए गैस, मैंने इमली को मैश कर ली हूँ और यहाँ पे छोटे से एक पतीले पे मैंने चढ़ाई हूँ तेल। तेल गर्म होने पर मैं यहाँ पर डालूँगी पचफोड़न। पचफोड़न जैसे ही चटक जाए तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ये इमली। थोड़ा पल्प रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, आपको ज़्यादा पल्प नहीं निकालना है। अब क्या करना है, हमें इसमें डालना है काला नमक। काला नमक अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए, काला नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालते हैं रेड चिली पाउडर है, भुना हुआ धनिया ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर और ये सफ़ेद नमक, इस तीनों को भी हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद अभी क्या करना है, हमें इसमें डालना है ये मैं डाल रही हूँ एक कटोरा भर के शक्कर। शक्कर डाल के हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। मैं यहाँ कम क्वांटिटी में बना रही हूँ और आप चाहे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए मैं यहाँ जा दे रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दीजिए, ना चाहे तो नहीं दीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बस मैं लुक देना चाह रही हूँ जैसे हलवाइयों का होता है बस। अब हम इसे अच्छे से उबाल के पकाएंगे। देखिए ये ऐसे उबलने पर आएगा, बस हमें इसे उबाल के पका के एकदम घट, ज़्यादा घट भी नहीं करना है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, इसे पकाना है, इसे सेमी थिक कंसिस्टेंसी में लाना है हमें।
तो देखिए गाइस, हमें इतना ही पतला रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन रनिंग गाढ़ा में चाहिए हमें, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक हमारा आलू भी ठंडा होता है, तो हम जब तक आलू ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम आटा को गूंदेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ मैं चटनी पीस रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ हरा धनिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चा ले सकती हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 कली लहसुन का, ये मैं ले रही हूँ कुछ फ्रेश दही। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये जो आपका चटनी है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो अब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, आपको बताते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ वाइट विनीगर, ज़्यादा नहीं डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अगर आप चाहे तो इसे स्किप करके आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँ चटपटा बनाने के लिए काला नमक, हो तो डालिए, टेस्ट लाजवाब आता है। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी का कलर देखिए, ये हमारे समोसों को 4 चांद लगा देगा। आप चाहे तो गाढ़ा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही कंसिस्टेंसी पर रखती हूँ, क्योंकि ये भी और गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस आगे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा आलू रेडी है, और यहाँ पे मैंने ली हूँ तकरीबन 1/2 किलो मैदा ली हूँ, 500 ग्राम, और इसमें मैंने डाली हूँ काला वाला मंगरेला, और अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाली हूँ, मैं इसमें डाल दी हूँ, वीडियो नहीं कर पाई। अब हम इसमें डालेंगे जो खास है मोइन, तेल डालेंगे। अगर आप चाहे तो तेल की जगह में आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे नमक। देखिए फ्रेंड्स, इतना नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और यहाँ पे हमें इन सबको अच्छे से करना है मिक्स। यही स्टेप है जिससे आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा एकदम। हमें मोइन अच्छे से लगाना है, हाथों से ऐसे मसल मसल के लगाना है, अगर ज़रूरत पड़े तो वापस से तेल लेना है, ऐसे लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मोइन को लगा ली हूँ, अभी मैंने इसमें और भी थोड़ा तेल डाली थी, तो देखिए ये मैं जब मुट्ठी में बांध रही हूँ तो ये बन जा रहा है, आप देख सकते होंगे। अब ऐसे तोड़ूँ तो ये वापस से टूट जाएगा, यही आपका पॉइंट है समझने का। देखिए इसे मैं बांध दी मैंने मुट्ठी में, तो ये बन चुका है, अगर तोड़ूँ तो इसका मतलब है ये परफेक्ट मोइन लग चुका है। लेकिन और इसका आटा बिल्कुल भी सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना है। तो इसे हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका एक सख्त सा डो लगाएंगे। अगर आप नरम कर देते तो थोड़ा सा इसमें मैदा आप मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका डो नरम पड़ गया तो आपका समोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा, और फटने का भी डर रहता है। तो देखिए गाइस, हमारा समोसा का डो लग चुका है, और कितना सख्त है ये आप देख सकते हैं। देखिए हमें ऐसा सख्त डो लगाना है, ज़्यादा मुलायम नहीं करना, और आप पानी देख सकते हैं कितना लगा है, 1/2 कप भी नहीं लगा है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखते हैं, और जब तक हमारा मसाला वगैरह सब नज़दीक में लेते हैं, और जो जो भी सामान लगेगा वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने लोई को सेट होने के बाद 10 मिनट मैंने रखी हूँ, लेकिन आप ढक के नहीं रखना, खुले में ही रखना। उसके बाद आप या तो हाथ के मदद से या फिर ऐसे चाकू की मदद से आप इसकी पेड़े काट लीजिए। आप ऐसे ऐसे पहले मैं एक हाथ से कर रही हूँ, इसके वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लोई बना के रख ली हूँ, और एक चीज़ मैंने आलू में मिक्स करने नहीं चाही थी, लेकिन मेरी बेटी बोली मम्मी डाल दो, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, ये फ्राई की हुई मूँगफली, जिसे मैंने बेलने से क्रश कर ली हूँ। आपके पास हो तो आप स्टार्टिंग में उसे थोड़ा सा या तो ड्राई रोस्ट कर लीजिए, या तो फिर थोड़ा सा उसे तेल पर अच्छे से फ्राई करके निकाल के उसका छिलका या कवर उतार के इसे आप मिक्स करके मसाले में दे सकते हैं। मैं इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब करना क्या है, हमें लेना है एक पेड़ा, ठीक है। अब इसे मैं लंबे में बेल के बताती हूँ। तो देखिए ऐसे मैंने ओवल में इसे कर ली हूँ। अब इसे मैं बीच से लगाती हूँ कट। कट लगाने के बाद आप एक कटोरी में रखिए ऐसे पानी। अब मैं बताती हूँ। तो देखिए मैंने ऐसे ओवल में कट कर ली हूँ। अब मैं एक पट्टी उठाऊँगी, सबसे पहले मैं इस पानी में उंगली को डिप करूंगी,
और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से इसे वेट कर लूँगी ऐसे। फिर क्या करना है मुझे, ये दोनों को आपस में प्रेस करते हुए, देखिए ऐसे करके हमें इसे अच्छे से दबाना है ताकि तलने टाइम इसका सील खुल ना जाए। इसे आप थोड़े पेशेंट के साथ, सावधानी के साथ अगर करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, देखिए जब ये पॉकेट हो जाए तो अब हम इसमें फीलिंग डालेंगे। फीलिंग ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये छोटा छोटा समोसा मैं बना रही हूँ, आप फीलिंग कम ही डालिए। अब ये जो है ना, वापस से यहाँ ऊपर आपको लगाना है पानी, पानी अच्छे से लगाएंगे। अब करना क्या है, ये दो साइड को आपस में, देखिए ये दो को ऐसे जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद ये यहाँ से आप सील्ड कर दीजिए, सील्ड कर दीजिए। सील्ड करने के बाद देखिए हमारा छोटा समोसा रेडी हो चुका है। हम ऐसे दूसरे भी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके भी मैं वैसे ही पानी लगा रही हूँ, आप मेरे हाथों में ध्यान दीजिए। उसके बाद इसकी एजेस्ट को हम करेंगे बंद, इसे अच्छे से दबाते हुए इसे करेंगे ताकि ये कहीं से खुल ना जाए। देखिए ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये निशान आपस में चिपक जाए। अब इसकी हम पॉकेट खोल लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के बराबर, इसमें डालेंगे मसाला, आलू की जो फीलिंग है वो डालेंगे। अब इसे हम वापस यहाँ से करते हैं फोल्ड। फोल्ड करने के बाद और ये दो जॉइंट को आपस में फोल्ड कर देते हैं, देखिए ऐसे। ऐसे करना है। तो चलिए मैं झटपट पूरा करके आपको रेडी करके बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने सारे समोसे को बना के ऐसे रख दी थी, और तलने से आप साथ साथ नहीं तलिएगा, इसे फ्राई करने से पहले आधा घंटा आप फैन के नीचे रख दीजिए और ढकिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये नरम पड़ जाएगा। और मेरा यहाँ पे देखिए चटनी, मैंने बोली थी ना घट हो जाएगा, नहीं पतला रखे, तो मेरे इमली की भी चटनी तैयार है और ये हाँ दही और धनिया पत्ते की भी चटनी तैयार है। तो अब हमें, मैंने गैस को फ्लेम को ऑन कर दी हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है, मेन ट्रिक, मेन काम यही है हमारा कि तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, एकदम मीडियम हॉट ऑयल हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो तेल पहले गर्म हो जाए तो फिर मैं बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी ना, इतना तो कोई नहीं खाएगा, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसे एक ऐसे कंटेनर में फ्रीज़ कर दूँगी ताकि बाद में, देखिए ऐसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब मेरी बेटी स्कूल से आए या घर पे कोई मेहमान आए या हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैं उसे उसी टाइम साथ साथ गरम करके फ्राई करके दूँगी। तो आप एक बार अगर मेहनत करते हैं तो आपको काफ़ी दिन तक ये चल जाता है। इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, देखिए ऐसे। तो देखिए मैंने इसे ऐसे रख ली हूँ। अब मैं इसे लगाती हूँ लीड और इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ऊपर फ्रीज़र में रखना, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। ये मेरा न्यू डब्बा है, इसके वजह से इसका लेबल मैं नहीं निकाली अभी तक। और बाकी का जो है ये मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा तेल का टेम्परेचर बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो हम बिस्मिल्लाह करके इसे डालते हैं। देखिए बस हल्का हल्का सा एक बबल कितना धीरे धीरे आ रहा है, बस इतना ही चाहिए हमें। और तेल भी आप एक बार में थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए, देखिए। और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा लो ही रखेंगे ताकि मैदा हमारा अंदर तक अच्छा से पक के क्रिस्पी हो जाए। और अभी हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसकी फिलिंग में अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पनीर डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, और जो भी आपको पसंद हो आप उसमें फिलिंग में आप डाल सकते हैं। तो देखिए मेरी बेटी को तो समोसा बहुत पसंद है। जब वो छोटी थी तो वो नहीं खाती थी, लेकिन जब वो मोटू को देखती थी, मोटू पतलू कार्टून में मोटू को देखती थी, समोसा खाने से ताकत होता है, तो तब से वो खाना चालू कर दी है और अब तक वो खाती ही है।
तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में किस किस को समोसा पसंद है। तो जब तक मेरा ये समोसा फ्राई हो रहा है, आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आप तक पहले ही पहुँच जाए। तो देखिए अब इस स्टेज में मैं गैस की फ्लेम को और थोड़ा स्लो कर दूँगी ताकि जितना धीमे धीमे से पकेगा उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आहिस्ते आहिस्ते क्रिस्पी अब होना चालू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का हल्का ऐसे घुमाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का हम तेल घुमाएंगे, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद घूमना चालू हो जाएगा। तो हम वापस से इसे पकने के लिए रखते हैं। देखिए जब आप देखेंगे कि सब ये सेटल हो चुका है, कहीं से खुल वुल नहीं रहा है, अच्छे से पकने पर आया है, तो अभी इसे आहिस्ते आहिस्ते हिलाते रहेंगे ताकि वो इक्वली सब जगह से गोल्डन कलर हो। नहीं तो क्या होगा ना, एक तरफ से वो गोल्डन सीखेगा, एक तरफ से जल जाएगा, एक तरफ से सफ़ेदी, तो वैसा टेक्सचर हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे हल्के हल्के हिलाते रहेंगे। तो देखिए कैसे धीरे धीरे ये गोल्डन कलर में आ रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को, आप देखिए पास से देखिए, कहीं से भी सील नहीं खुला है। बस इसी चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है कि सील जब आप करते हैं ना वो पानी लगा करके, उस जगह में आपको थोड़ा सा पेशेंस से, थोड़ा सब्र से, थोड़ा अच्छे से करना है। बाकी आपका फीलिंग, आप टेस्टी बनाइए तो आपका हर कुछ अच्छा बनेगा। इसमें आप जो भी फीलिंग डालेंगे ना तो आपका समोसा क्रिस्पी ही बनेगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। अगर आप लोग को किसी भी चीज़ के लिए डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मुझे किस शहर से देख रहे हैं। और इसे हर बहुत जगह, यहाँ तो समोसा बोलते हैं इसे, हम लोग के यहाँ हमारे कोलकाता में इसको सिंगाड़ा बोलते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके शहर में इसे क्या कहते हैं। तो देखिए देखते ही देखते हमारा छोटा छोटा समोसा रेडी हो गया है। इसमें से मैंने कुछ बड़ी बनाई हूँ, कुछ छोटे बनाई हूँ, क्योंकि कभी मेरी बेटी बोलती मम्मी बड़ा वाला बनाओ, कभी मेरी बेटी बोलती मम्मी छोटा वाला बनाओ, इसलिए मैंने मिक्स करके बनाई हूँ। तो आइए हमारा समोसा रेडी हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए गाइस, मेरा समोसा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल क्रिस्पी है। यहाँ मैंने ली हूँ इमली की चटनी, ये टमाटो केचप है और ये हरी चटनी है। देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे तरीके से आप खाइए, खा के इंजॉय कीजिए, और ऐसे ही अपना परिवार के लिए आप भी बना के फ्रिज में स्टोर करके रखिए तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आपको लगेगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मतलब ये थोड़ा शेप में सिर्फ थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी टेस्टी एकदम ही बाहर जैसा है, बहुत ही अच्छा है। आप एक बार बनाइए मेरे स्टाइल से, बना के खाइए और मुझे कमेंट में बताइए। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।